अगली खबर में बात करते हैं सोनभद्र की, जहां स्थानीय नगर के डाला चढ़ाई पर किराए के मकान में संचालित पंचशील अस्पताल को लेकर शिकायत पर शनिवार शाम लगभग 4 बजे नोडल अधिकारी डॉक्टर गुरुप्रसाद जांच करने पहुंच गए और जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए संचालित पंचशील अस्पताल को सीज कर दिए। वहीं इस कार्यवाही से संबंधित लोगों में हड़कंप मच गया। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक पंचशील अस्पताल भ्रूण हत्या सहित अन्य मामलों की शिकायत मिली थी, जिसको लेकर नोटिस चस्पा कर दी गई और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। इस दौरान उचित जवाब न मिलने पर अस्पताल के संचालक के खिलाफ संवैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसकी खबर मिलते ही अस्पताल संचालक मौके से फरार हो गए। वकील साहब किसी और कोई वकील साहब है। हाँ, उसके पहले जो चलाते थे वो तो शायद विड्रॉ कर लिए, मतलब अस्पताल को नहीं चलाएंगे। सीओ साहब का वहाँ एप्लीकेशन दिया हुआ है। मौर्या वकील ही थे कोई। अच्छा, जो जो उद्घाटन हुआ था हम लोग बुलाए भी थे। मैं डॉक्टर गुरु प्रसाद मौर्य हूँ। सर, आज क्या शिकायत थी और किस लिए कार्रवाई हुई? शिकायत में ये पाया गया था कि यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन तो कराया गया था इस अस्पताल का, लेकिन यहाँ पे अवैध तरीके से यहाँ पे भ्रूण हत्या भी होता था, MTP जिसको कहते हैं, और इधर उधर से गरीब जनता को फुसला करके ऑपरेशन किया जाता था, उसमें बहुत पैसे लिए जाते थे। और भी तरीके की ढेर सारी बीमारियों में इधर उधर की बातें करा करके पैसे लिए जाते थे। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई तो सीमो साहब के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पे आए। जब तक हम लोग आए यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं मिला, सब तालाब बंद करके भाग गए थे। मौके पे हमने अस्पताल को सीज कर दिया है और एक नोटिस चिपका दिया है इनको। 3 दिन का मौका दिया, अगर अपना सारा साक्ष्य लेकर प्रस्तुत होते हैं CMO ऑफिस में तो उस पर जो इनका भी कार्रवाई होता उस तरीके से हम सारी उस पर धाराएं लगाते हुए पुलिस ऑफिसर को दे देंगे।